हे गाइस, हमारा जो ईगल है, आपने अभी वीडियो देखा तो वीडियो में देखा कि भाई हमारा ईगल हमारे बीच में नहीं रहा, हमें ईगल छोड़ के चला गया है। और वो कैसे गया भाई, मैं कल गांव को गया था। गांव को जाने की वजह से हमारे जो घर वालों ने वो डोर खोला भाई, और डोर खोलते ही ईगल बाहर आया। ठीक है, उन्होंने सोचा कि भाई इसे थोड़ी देर चढ़ने वगैरह देते जैसे मैं करता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने चढ़ने के लिए यहाँ पे छोड़ वगैरह दिया, और भाई ने ना सीधी यहाँ से जंप की, और जंप करते ही नीचे जंप कर दी ऐसे यहाँ पे। ठीक है, और हमारी जो लिली है, लिली ने भी जंप की थी, यहाँ से सेम जंप की थी, दोनों के दोनों उड़ गए थे। ठीक है, और यहाँ पे चर रहे थे नीचे। ठीक है, वहाँ पे चर रहे थे, और भाई उसके ऊपर डॉग ने अटैक किया। ठीक है, और डॉग ने अटैक करते मतलब हमारे जो कॉलोनी के छोटे छोटे बच्चे सब क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे यहाँ पे, तो उन्होंने देखा भाई कि भाई ये डॉग ने अटैक किया वगैरह, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की उसको बचाने की, बट डॉग उसे सीधा उस वाली अगली कॉलोनी में लेके गया। और भाई मुझे पता चला कि भाई शाम को मैं जब आया और मुझे पता चला कि भाई हमारे ईगल के साथ ऐसा हुआ, तो भाई मैंने तुरंत शूट लिया कि भाई उधर कांटों में हमारा ईगल पड़ा था और वो कांटों में पड़ा रहा। ठीक है, और दोस्तों आज वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं आपको सीधा कल मॉर्निंग में मिलता हूँ। चलो ठीक है गाइस, वेलकम बैक और द डेजी फिश में आपका फिर से वेलकम। और ये हमारा लकी पिजन का बेबी देख सकते हो। तो गाइस ये देख सकते हो हमारा लकी पिजन का बेबी, अभी कम्प्लीट ये 15 डेज का हो चुका है, और ये फीड इसके जो मम्मी पापा है ना, इसको फीड नहीं कर रहे, उन्होंने ना दूसरा एक दे दिया एफ केज के अंदर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो दोस्तों उसकी मम्मी, और उसने भी एक अंडा दे दिया, ये देख सकते हो ये वाला एक अंडा, और दूसरा भी दे देगी। तो ना दोस्तों इसे ना थोड़ा डिसीज हुआ है भाई, तो डिसीज होने की वजह से ना भाई मैं इसको मेरे दोस्त के यहाँ पे दे रहा हूँ। तो ठीक है, मेरे दोस्त के पास अभी दे रहा हूँ, क्योंकि ना भाई इसकी हालत जो है ना, ये देखो भाई, ये ना ऐसे ना इसकी मुंडी ना ऐसा घर घर फिरा रहा है, और इसका जो डिसीज है ना भाई, ये हमारे पिजन्स के ऊपर भी लग सकता है। ठीक है, और इसके मम्मी पापा भी इसको फीड नहीं कर रहे, देखो इसका जो पेट है ना पूरा खाली है। और ये देखो इसको एक और एक डिसीज हुआ है यहाँ पे, ये देखो। तो इसकी वजह से मैं अभी मेरे दोस्त के हवाले इसको कर रहा हूँ, और वो इसकी अच्छी केयर लेगा भाई, क्योंकि मुझे पता है भाई भाई के पास बहुत ज़्यादा पिजन है भाई, रेसर पिजन है भाई के पास। तो दोस्तों हमारे सेटअप में खुशखबरी भी है, और भाई थोड़ी दुख भरी खबर भी। आपने स्टार्टिंग में तो देखा ही होगा यार हमारे ईगल के साथ क्या हुआ, और भाई हमारा बेबी के साथ भी ऐसा ही अभी कुछ हो रहा है, जो कि इसको डिसीज हुआ है, जो कि मेरे भाई का कहना है। ठीक है, वो भी लेके जाएगा और इसे जल्द से जल्द ठीक करके लाएगा भाई। ठीक है, और खुशखबर ये है कि भाई, तो दोस्तों खुशखबर ये है कि हमारा जो किंग पिजन है भाई, किंग पिजन ने भी फाइनली एक दे दिए है भाई। ये जब एक देते ना भाई, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं यार। देखो भाई कितना ज़्यादा एग्रेसिव है, देखो हे बड़ी हेलो, देखो भाई। और इसका जो मेल है ना भाई, यहाँ पे ये भी थोड़ा एग्रेसिव हो गया है, और यहाँ पे हमारी ये जो लकी पिजन का जो बेबी संभाल रही थी एक, और ये दूसरा पेयर हमारा जो लकी पिजन का बेबी संभाल रही थी, तो उन्होंने भी फाइनली एक दे दिया है। देखो अभी ये भी कल परसों में दूसरा एक दे देगी। और यहाँ पे हमारा जो लकी पिजन है भाई, इसके अंडे हमने इसके नीचे रखे थे, आपको पता ही यार। ठीक है, तो इसके जो अंडे हमने रखे थे, तो वो वाला बेबी हुआ जो कि अभी डिसीज से लड़ रहा है। ठीक है, और ये जो हमारा पेयर है, ये लकी वाला, ये असली वाला हमारा लकी वाला पेयर है। ठीक है, जो कि अभी इसने भी हमारे बेबी हैच किया, आपको पता ही यार। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमारे क्यूट से दोनों बेबी, बहुत ही अच्छा तंदुरुस्त है भाई, इनको कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला जो पेयर है ना भाई, ये भी अभी जल्द से जल्द अभी बेबी इनके हैच हो जाएंगे यार, और अभी तक नहीं हुए यार। ठीक है, तो बहुत जल्द इनके भी बेबी हैच हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे भी हमारे जो किंग का किंग पे पिजन है, इसके भी बेबी हैच हो चुके हैं, जो कि मैं आपको कल के वीडियो में इसका अपडेट दूंगा। वहाँ पे थोड़ा घुसने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसकी वजह से आप थोड़ा समझ लो। अभी मैं आपको ना फिश रूम का अपडेट देता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों बहुत जल्द हमारी जो लिली है, इसके लिए हम एक और एक ईगल लाएंगे भाई, जो कि हमारे ईगल के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, तो इसके लिए हम बहुत ही जल्द एक ईगल लाने वाले हैं। बेचारी को अकेला नहीं रहने देंगे, मतलब मैं कल परसों की वीडियो में इसके लिए भाई ईगल लेके आएंगे। तो फाइनली दोस्तों हमारा फिश रूम का फाइनली आप लोग देख सकते हो, जो कि ये है भाई। देखो ये है हमारा फाइनल वाला फिश रूम, जो देख सकते हो यार यहाँ पे हमारा मॉन्स्टर टैंक है। आपको बताया था कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, तो इनको चेंज कर दिया। अभी मतलब एक दिन इनको सेट करके हो चुका है, एक मतलब दो दिन हो चुकी है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम बहुत ही जल्द ऐसे छोटे छोटे ऑस्कर लाएंगे। ठीक है, और हमारी कैटफिश भी अच्छी अभी कम्फर्टेबल है, जो इसका जो साथी ना भाई, वो भी हम कल परसों में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, कल परसों मतलब इसे और थोड़ा अच्छा होने देंगे, फिर हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, मतलब इसको भी 4-5 दिन लग जाएंगे भाई। ठीक है, जब ये अच्छी हो जाएगी
जाएगी तब हम यहाँ पे उसका साथी शिफ्ट कर देंगे। और यहाँ पे मैंने हमारे जो फ्लोरॉन है वो रखी है भाई, हमारे फ्लोरॉन के लिए हम बहुत ही जल्द हम इनके लिए बड़ा टैंक बनाएंगे, ठीक है। आपको पता है हमारा एक टैंक भी फूट गया तो थोड़ी और ज़्यादा हमारे यहाँ पे दिक्कत हो गई। और यहाँ पे हमारी फाइटर फिश की फीमेल भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और ये देखो ये तो यहाँ पे तो सेट ही हो चुकी है, देखो हमारे सेनेगल, ठीक है, ये भी अच्छे खासे अभी सेट है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ऑस्कर हमारे दोनों खुश है भाई, मतलब खुश मतलब इनके लिए बड़ी जगह बनाएंगे जब इनके साइज़ के ऑस्कर फिश आ जाएंगे, ठीक है। अभी नहीं बना सकते यार क्योंकि ना बहुत ही ज़्यादा ये झगड़ा करते हैं, ठीक है, इसकी वजह से मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। और यहाँ पे हमारे शक्कर फिश, ये भी अच्छे खासे कंफर्टेबल, इनको कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बहुत ही जल्द हमारे गप्पी फिश आएंगे दोनों टैंक में, ठीक है। जो मुझे अच्छी ब्रीड लगी वो मैं लेके आऊँगा, मतलब वो हमारी डम्बो ईयर वगैरह रहेगी, ठीक है, और रेड गप्पी वगैरह यहाँ पे रहेगी। जैसे बहुत सारे भाइयों ने मुझे सजेस्ट किया था कि भाई आप ये गप्पी लाओ वो गप्पी लाओ, हम वो वाली गप्पी लाएंगे। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे भाई ये भी कह रहे थे कि भाई आप कुछ बार फिश लाओ, मतलब छोटी वाली बहुत कलरफुल रहती है वो फिश लाओ, जो कि हम ये दो टैंक हम उसके करेंगे, ठीक है, और ब्रीड भी करेंगे सक्सेसफुल, हम उनकी ब्रीड भी करेंगे। और अभी बहुत सारे भाइयों का क्वेश्चन होगा भाई आपके पोलर पैरेट के बेबीज कहाँ गए, तो हम आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा दोस्तों हमारा कॉकटेल का रूम, जो कि मैंने अंदर शिफ्ट कर लिए क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा मौसम खराब है, मौसम खराब होने की वजह से मुझे ये अंदर शिफ्ट करने पड़े, ठीक है। और मैं इनको अंदर ही रखने वाला था क्योंकि आपको पता है भैया रूम खाली रहने वाला है, ठीक है, यहाँ पे हमारे बड़े बड़े मॉन्स्टर फिश मतलब सब रहेगा यार, ठीक है। आप जो कमेंट्स करोगे हम वो लाएंगे, ठीक है, हमारे सेटअप में। तो यहाँ पे अभी हमारे पास कॉकटेल के तीन पेयर है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अभी ये भी यहाँ पे हम इनको अच्छा डाइट देंगे जो कि ये फटाक से ब्रीड करे यार, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर। ये तो अभी बेबी पेयर है, ठीक है, ये छोटे छोटे पेयर है भाई, मतलब ये इतना बड़ा नहीं हुआ। और यहाँ पे दोस्तों हमारे पोलर पैरेट के बेबी, जो कि भाई बहुत सारे भाई अपडेट मांग रहे थे, तो ये देख सकते हो भाई ये हमारे क्यूट पोलर पैरेट के बेबी, जो कि अभी सबके सब एक्टिव हो गए, ठीक है, एक भी बेबी को कुछ नहीं हुआ। और बाकी वाले मैंने यहाँ पे रखे थे क्योंकि थोड़ी बहुत गंदगी थी यार, तो दिक्कत आ रही थी उनको निकालने के लिए। तो दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ ऊपर और भाई मौसम पूरा खुल चुका है, देख सकते हो, और कितना सुहाना मौसम है यार पूरा, मतलब यहाँ पे ना यार हमारे यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा ना बारिश हो रही थी यार, ठीक है। तो मैंने ना यार वीडियो नहीं बनाई एक दिन के लिए, तो ठीक है, अभी मौसम पूरा साफ हो गया और बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है यार, होए। और हमारे जो प्लांट्स हैं यार अभी ये भी बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे हैं, देखो थोड़े हरे भरे भी हो गए क्योंकि ना इनको बारिश का पानी मिला है। और सबसे अच्छी बात मतलब हमारा जो ये वाटर लिली का पौधा है भाई, ये सुरक्षित है भाई, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, बारिश होने की वजह से आपको पता है यार हमारा जो ये पौंड था भाई यहाँ से पानी गिरने लगा था, यहाँ पे लिटरली ना भाई झरना बन गया था रात को। तो मैंने कैसे वैसे कुछ ड्रेन वगैरह खोला तो अभी ठीक है यार। तो देख सकते हो हमें थोड़ा बारिश के मौसम में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, बट मुझे एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई आप है ना ये वाला जो पौंड है ना थोड़ा खाली कर दो, मतलब 50% इसका वाटर कम कर दो और आपका जो वाटर लिली का पौधा नहीं भी नीचे डाल दो, ठीक है, तो आपका जो पानी है लेवल एकदम मीडियम रहेगा और जो आपके प्लांट्स हैं ना भाई वो भी आप नीचे रख दो, ठीक है भाई। मैं आपकी ही जो आपने जो मुझे सजेस्ट किया भाई मैं वही करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ना भाई हमारे मौली फिश ने ब्रीड की है भाई, मैंने ना एक दो बेबीज देखे थे बट अभी वो नहीं दिख रहे। ये देखो भाई ये है मौली फिश का बेबी, देखो ब्लैक सा, ठीक है, ये में भी एक ही दिख रहा है यार, बाकी कहाँ गए यार, बाकी सब गप्पी के यार उधर। और मौली फिश के लिए मैंने एक दो दिन में हम कुड़ला मार्केट जा रहे वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है यार, ठीक है। तो बहुत सारे भाइयों ने बोला है कि भाई आप सेल्पिन मौली लाओ, आप वाइट मौली लाओ, ब्लैक मौली लाओ, चॉकलेट मौली लाओ, बहुत सारी वैरायटीज की मौली, भाई हम सब वैरायटीज की यहाँ पे मौली लाएंगे और इनकी बहुत ज़्यादा ब्रीड करेंगे, ठीक है। आपने मुझे जैसा कहा है हम वैसा करेंगे हमारे इस वाले पॉन्ड में, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे ना हमारे जो और दोस्तों बारिश की वजह से हमारा पानी पूरा ख़राब हो चुका है, ख़राब होने की वजह से भाई मैं दिखाना नहीं चाहता आपको, ठीक है, ये हम कल या परसों में वो भी साफ सफाई कर देंगे। और यहाँ पे हमारे डव है भाई, शायद इसने अंडा दे दिया बट ये मुझे ऐसा ही हर रोज़ धोखा दे रहे, ठीक है, ये यहाँ पे बैठे मुझे लगता है भाई इसने अंडा दिया, अंडा नहीं दिया होता है। देखो अभी इनको मैं फीडिंग वगैरह तो इनका हो गया दोपहर में, और अभी भाई इवनिंग हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल इवनिंग यार, देख सकते हो चारों ओर इतने शानदार बादल, ठंडी हवा चल रही है भाई, सॉफ्ट लग रहा है एकदम। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो लकी पिजन का बेबी है मैं मेरे दोस्त के यहाँ पे दे रहा हूँ, चल बाय बाय। तो यार हम ये हमारे ना एक दो कॉलोनी छोड़ के रहता है, तो इसका हम अपडेट एक दो दिन में लेते जाएंगे, बाय बाय बेबी, चल ठीक है भाई, अच्छे से संभालना। ये किसने लाया भाई, हे लिटिल बेबी,
ठीक है दोस्तों, मैं अभी आ चुका हूँ हमारे फिश रूम में और आप देख सकते हैं रात का कितना अच्छा लगता है हमारा फिश रूम। वाव यार, इसमें ना अभी बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आ रहे कि भाई आप आपके टैंक में थोड़ी ब्लैक सैंड और व्हाइट सैंड ऐड करो। तो भाई मेरे दिमाग में भी वही प्लान था, हमारे टैंक में हम ब्लैक और व्हाइट सैंड ऐड करने वाले हैं, मतलब 1 2 3 4 अभी हमारे पास 4 टोटल टैंक है। तो इसमें हम हमारी ब्लैक सैंड ऐड करेंगे और इसमें हमारी व्हाइट सैंड ऐड करेंगे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा यार। और भाई ये शार्ड निकालने के लिए मैंने ऑनलाइन ऑर्डर भी कर दिया, वो कुछ आता है भाई मुझे नहीं पता वो क्या है, बट वो मुझे एक दो भाई ने सजेस्ट किया था कि भाई वो आप मंगा लो, आप जो टैंक के शार वगैरह हैं वो सब निकल जाएंगे, ठीक है। तो मैंने वो ऐड ऑनलाइन अभी मंगवा लिया है। सारे भाइयों का ये भी कहना था कि भाई आप क्या बोलते हैं उसे, हाँ ब्लैक गोस्ट फिश ऐड करो। भाई ब्लैक गोस्ट फिश यार ठीक है यार, आप कह रहे हो तो भाई मैं बिल्कुल ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो ब्लैक गोस्ट के लिए हम है ना यहाँ पे रखने वाले, ठीक है, हमारे मॉन्स्टर टैंक में हम हमारे जो ब्लैक गोस्ट फिश है वो यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो वो हम जरूर ऐड करेंगे, ठीक है, उसका एक पेयर में ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं यार आप ब्लैक गोस्ट ऐड करो, ठीक है यार, वो भी लेके आएंगे। और डम्बू ईयर गप्पी और थर्ड एक रेड गप्पी, तो इसके लिए भाई हम रेडी है, ब्लैक गोस्ट, डम्बू ईयर गप्पी और रेड गप्पी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात, हमारे ऑस्कर फिश के लिए फीमेल मिल गई, तो वो भी हम जरूर ऐड करेंगे, बट वो सिर्फ मिलना चाहिए यार, ठीक है। अरवाना और वो क्या बोलते हैं उसे, एलिगेटर गार के बेबीज, वो हम ऐड करने का प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब आपको बताया था मैंने कल परसों के वीडियो में, बट देखेंगे यार, ठीक है, थोड़ा 50-50 है। अरवाना मिले तो हम अरवाना रखेंगे और एलिगेटर गार के बेबीज मिले तो एलिगेटर गार के बेबीज रखेंगे, ठीक है। ये वाले टैंकों में तो पता ही यार, यहाँ पे हमारी कलर वीडियो वगैरह आने वाली है। और एक भाई ने मुझे सजेस्ट किया था कि भाई आप चिलचिड़ का टैंक सेटअप करो, तो भाई मेरे दिमाग में वही क्वेश्चन था यार, आपने मुझे अच्छा आइडिया दिया, ठीक है। तो चिलचिड़ का भी मेरा प्लान हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्वास्केपिंग की और स्टोन्स भी दिखा दो मेरे को, आपको बात हो चुकी है यार पूरी। तो ये देख सकते हो भाई, ये वो स्टोन आते हैं जो कि मैंने अभी सूखने के लिए डाल दिया, और ये जो जो स्टोन्स वगैरह नहीं है कुछ यूज़ में रख लेंगे हम, तो इसमें हमारे जो चिलचिड़ है ना भाई बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। प्लानिंग में हूँ कि यार हमारे जो चिलचिड़ फिश है ना वो मैं ऐड करूँ, ऐसा मुझे लग रहा है, जो ब्रीडिंग पेयर मिल गया ना भाई मैं जरूर ऐड करूँगा, ठीक है। चिलचिड़ फिश रहेगी और यहाँ पे हमारी कलर वीडियो और कुछ टेट्रा वैरायटी की जो बहुत ही ज़्यादा चमकती यार वो फिश हम रखेंगे, ठीक है। और ये तो आपको फिक्स है यार, यहाँ पे हमारे पोलारी रहेंगे, यहाँ पे हमारे मॉन्स्टर फिश रहेंगे, यहाँ पे हमारी एक रेड गप्पी और एक डम्बू ईयर गप्पी, ठीक है। सिर्फ डम्बू ईयर प्योर क्वालिटी की मिलनी चाहिए बस भाई, वो मिल गई भाई हम जरूर ऐड करेंगे, ठीक है। और मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है यार कुर्ना मार्केट जाने की, भाई क्या ही बताओ, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ मैं आज का वीडियो हमारा यही पे एंड करता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है, चलते हैं। कल एक इमरजेंसी आ गई थी, हमारा जो फ्लोरों का टैंक है वो लीक हो गया, ठीक है। तो लीक होने की वजह से ना भाई मुझे यहाँ से हमारे फ्लोरों निकाल के यहाँ पे रखने पड़े, ठीक है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने हमारे दोनों फ्लोरों शिफ्ट कर दी और एक फ्लोरन मैंने यहाँ पे ये जो बड़ी वाली ना यहाँ पे शिफ्ट कर दी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कई जगह नहीं थी, ठीक है, तो इसकी वजह से मैंने इनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और अभी यहाँ से आराम से रह रही है।